स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को सिकंदरपुर स्टेडियम में मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अब तक जिले के प्रभारी मंत्री तथा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ध्वजारोहण किया जाता रहा है। इस वर्ष 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज डीएम प्रणव कुमार ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्मार्ट सिटी के तैयार हुए पहले प्रोजेक्ट नगर भवन की सजावट की गई। कलेक्ट्रेट परिसर समेत बाकी बिल्डिंग की भी सजावट की गई। ध्वजारोहण के मौके पर बीएमपी डीएपी होमगार्ड पुरुष फायर ब्रिगेड सीआरपीएफ एसएसबी जवानों द्वारा परेड की गई। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति दी गई। ध्वजारोहण की तैयारियों को लेकर नगर निगम के प्रशासक सह डीडीसी आशुतोष द्विवेदी व अनुमंडल पदाधिकारी पूरी ज्ञान प्रकाश ने रविवार को सिकंदरपुर स्टेडियम का जायजा लिया। सेनानियों महान विभूति अमर शहीद श्रीराम बोस, अमर शहीद जुब्बा साहनी, वारिश अली, मकबूर एजाजी, सफी दाऊद तथा अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वाले सभी अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज इस समारोह में उपस्थित सभी नागरिक, माताएं, बालिकाएं, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी एवं पुलिस बल का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में मुजफ्फरपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों की अभूतपूर्व और अहम भूमिका रही है। यह जिला गंगा जमुनी तहजीब का बेहतर उदाहरण है। मुजफ्फरपुर को इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं की मिलन स्थली के रूप में भी जाना जाता है। दोनों सभ्यताओं के रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं और यही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। आज इस पावन राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा मुजफ्फरपुर जिला देश और राज्य के विकास के साथ कदम से कदम मिलाते हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर है। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 19 में एईएस चमकी बुखार से 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी, जो हमारे लिए काफी दुखदायी था। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।